अभी सितंबर में 4 साल हो गए, तो अब क्या स्थिति है मेरी? अब तो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है मैडम, क्योंकि कमाए उमाए तो जावे ना उसमें, महीना में 10-15 दिन जावे बस, क्योंकि नहीं जाएगा तो बच्चे खाएंगे कहाँ से। तो शरीर तो बिल्कुल तोड़ ही रखा, खराब हो रहा, अब तो कमाने खाने लग तो छोड़ा ही नहीं। पहले कौन से स्कूल में जाते थे? वेद भारती में। आप कहाँ जाते हो? अब मैं सरकारी स्कूल में। ज़्यादा अच्छा कौन सा था, सरकारी या पहले वाला? पहले वाला। तो क्यों बदला फिर? रुपी नहीं थे। पापा ठीक हो गए हैं? आप सब ठीक हो गए हैं? पापा का दर्द टूट रहा है, पैर में भी कमर में भी। पूरी जिंदगी बदल गई, अब क्या बचा है? दिमाग में वही चलता रह गया, कैसे मारा था, कैसे लटकाया था, क्या क्या। अब तो चला ना जाता है, काम भी ना होवे, ये बच्चों की कौन देखेगा? मेरे पीछे कोई ना है, आज भी रात को डर के मारे उठ जावे हूँ। उसने मारा बहुत ज़्यादा, ऊपर पैर कर दिए, बीच में डंडा दे के ऊपर, बीच में पवन का डंडा लेकर नीचे को सिर कर दिया, ऊपर पैर पवन में धड़ाधड़ मार गए। हमारी बात मान ले, तेरे सरकारी वकील करवा देंगे, तेरे छुटा देंगे, थोड़े दिन का वो है, तू छुट जाएगा। ऐसे मैं कहते रहे भाई, मार मार मैं कहते रहे, तूने ऐसा करा ऐसा करा, पर नौकर दिन मैं उनके पीछे हाँ बोले गया, जैसे वे कहते गए, फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया। हरियाणा पुलिस की वजह से, स्कूल प्रशासन की वजह से ही होया था, जो एक गरीब आदमी देख के फंसाया गया था। कोई सोच भी ना सके मैंने जो झेला, मैं ही जानू हूँ। एक महीने और रुक लेता वहां तो पागल हो जाता। मेरी यूं जो पलक झपके है, ये झपकनी बंद हो गई थी, दिमाग चला गया था, बस अपने बच्चों की सोचूं था। 4 years ago, in September 2017, a man was falsely accused of murder. What followed was brutal police torture, agony, lasting trauma, and financial loss. 4 years on, life is still unkind to this family. They still struggle to make ends meet, managing 2 square meals a day, and quality education for their children is still a struggle for this family. Today, we speak to Ashok Kumar, the murderer who wasn't. चार साल हो गए 9 तारीख को इस महीने। अगर मैंने कुछ किया होता तो सब मुझे मार डालते, फांसी पर चढ़ा देते, पर जिसने सच में किया वो है आज भी, उसको कोई कुछ ना कह रहा। गरीब की जान के पीछे सब पड़े थे। जिंदगी में इतना था ही नहीं कभी, इसी पहाड़ के पत्थर तोड़े पूरी उम्र, फिर वो नौकरी की, अब तो कुछ ना बचा, ना अपने लिए ना बच्चों के लिए, बाप होके भी कुछ ना कर पाया मैं। घर की तो मैडम देख लो, बस चटनी रोटी दाल बन गई कभी थोड़ी बहुत, बस यही है। दूध बच्चों को कहाँ से दें, फिर पैसे कहाँ से देंगी? छोटे छोटे बच्चे हैं, चिंता तो होगी भविष्य के लिए, भी आगे के करना से के ना करना। अब ये भी ऐसे ही है, ना तो कमा पावे ना कहाँ से के करूँगी, ये लगी रहे चिंता।
कुछ बेहतर ना हो रहा मैडम, और कंडीशन जैसे घर परिवार में पहले खुश थे, जैसे उससे पहले हम खुश थे भाई, वो भी जा रहा था, मैं भी जैसे कैसे भी थे घर पे, पापा थे कैसे भी अपने, पर इससे ज़्यादा अब शरीर ज़्यादा उसका ख़राब हो गया कुछ। अब मेरे भी इतनी हिम्मत नहीं रही, अब घर पे भी मैं पहली माँ थी, थोड़ा बहुत कर भी ले, अब बिल्कुल ना होता, मैं भी बीमार सी रहने लगी, तबीयत खराब रहने लगी। आती खेल तो बैठ जावे, फिर लेट जावे, फिर रात को क्या मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो फिर हम दोनों ये कभी हो कभी मैं बीच दे पैर, फिर सिर बेचा, कभी आयोडेक्स आ दे, कभी उस यहाँ पर कमर में लगा देते हैं। हमारी तो क्या स्थिति है, ना पैसा है ना शांति है, डर लागे है इनके लिए। गांव वाले मजाक में बोले हैं कि अशोक तो हमारे गांव का सबसे फेमस आदमी है भाई, लोगों को मजाक लागे है, पर मैं ना चाहूँ कि मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। उसके गम में तो माँ भी चली गई, उसकी माँ गई हमारी एक साल, जब तक तो ये केस होया, जब तक तो ऐसा गम लग गया उसको कि माँ अब नई साल को चल बसी। ये घर भी टूट रहा, बरसात में छत से पानी टपके है, पूरी रात बस यूं ही बैठ जावे हैं यहाँ कोने में कि बारिश रुकेगी तो सोवेंगे। नोटिस तो ये है कि अरावली में आ रहा है ये नोटिस है घर फोड़ने का कि घर फूटेगा, जोड़ जपोड़ के अपना जब यो ढूंढ खड़े करे, ये जैसे भी करे, कैसे कैसे मेहनत है, यो सब तो बहुत ही चिंता लग रही है, फूट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहीं वो भी ना है। इस टाइम में तो गरीब आदमी अपने दो रोटी खा ले वही बहुत है, कहाँ जगह ले जाइए, किराया भी ना पुगे। मुझे गुस्सा ना आवे, गुस्सा भी उनको आवे है जो कुछ कर सकें, मुझे तो कुछ महसूस ही ना होवे अब, जब तक जिंदा हूँ हूँ, बच्चों को भीख मांग कर भी रोटी खिला दूँ बस तो काफ़ी है। परेशान रहते हैं, बेचैनी सी रहवे, जैसे नींद भी नहीं आवे, थके हारे आवे, जैसे शरीर भड़के है, पहले पीते भी ना, थोड़ी बहुत पीण भी लग गए, जैसे भी शरीर भड़के है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequin.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.